हेलो एंड वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। भारत की तरफ से विज्ञान के इतिहास में सिर्फ दो ही ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में ऐसा काम कर दिया जिसके बाद उनके काम को सम्मान देते हुए उन्हें नोबेल प्राइज देना ही पड़ा। जिनमें से एक थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्हें 1983 में चंद्रशेखर लिमिट के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला, और दूसरे थे सर सीवी रमन, जिन्हें 1930 में उनके नाम पर रमन इफेक्ट की वजह से फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। और ये वीडियो सर सीवी रमन के ऊपर बनाई गई वीडियो का दूसरा भाग है, लेकिन मुझे पता है कि आपको सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी के बारे में जानने की इच्छा हो रही होगी। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था? तो अगर आपको उनके बारे में जानना है तो कमेंट कर देना, मैं उनके ऊपर वीडियो बना दूंगा। लेकिन एक लाइन में बता देता हूँ, किसी तारे का क्या भविष्य होगा, मतलब ये कि वो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा या न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, इस चीज का जवाब दुनिया में किसी के पास भी नहीं था। और चंद्रशेखर जी ही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने किसी तारे की जो मास लिमिट दी थी, पूरी दुनिया आज उसे स्टैंडर्ड मानती है। और आज हम किसी भी तारे के मास को कैलकुलेट करके ये पहले ही बता सकते हैं कि उसका भविष्य क्या है। चलिए अब जरा सर सीवी रमन के ऊपर बात करते हैं, तो एक छोटा सा रिकैप हो जाए। रमन साहब ने बचपन से ही अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया, क्योंकि उन्होंने 18 साल की उम्र में ही पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट करते हुए भारत का पहला रिसर्च पेपर पब्लिश करा लिया था। मैं अपनी बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ, भारत के इतिहास का पहला रिसर्च पेपर सर सीवी रमन ने पब्लिश कराया था। और ये गुलामी का दौर था, क्योंकि अंग्रेज प्रोफेसर ये नहीं चाहते थे कि सीवी रमन रिसर्च में आगे बढ़ें। लेकिन भाई साहब, इन्होंने तो जैसे मिशन मोड में काम करने की कसम खा रखी थी। सीवी रमन ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर भारत में साइंटिफिक कल्चर को डेवलप करना है तो किसी ना किसी को आगे बढ़कर आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता तैयार करना पड़ेगा, और अंग्रेज ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि कोई भी भारतीय किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े। रमन साहब ये बात बहुत अच्छे से समझते थे कि वो अकेले पूरे देश में साइंटिफिक कल्चर को डेवलप नहीं कर सकते, उन्हें ऐसे लोगों का समूह तैयार करना पड़ेगा जो देश के कोने कोने में जाकर लोगों को विज्ञान के प्रति जागरूक करें, उनकी रुचि बढ़ाएं। तो उन्होंने अपने साथी और जूनियर्स को ट्रेन करना शुरू करा, ताकि वो ऐसे लोगों का एक समूह बना सकें जो पूरे देश में फैलकर लोगों की विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ा सकें। अब आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि भारत अंग्रेजों से कितने सारे फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा था। एक तरफ तो उन लोगों की फौज तैयार हो रही थी जो अंग्रेजों को मार मार के देश से भगाने की तैयारी कर रही थी, और दूसरी तरफ रमन साहब ऐसे लोगों की फौज तैयार कर रहे थे जो भारत को अंग्रेजों के पंजों से बाहर निकालकर विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ा सके, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम पे पूरी तरह से अंग्रेजों का कंट्रोल था। ये वाकई में जबरदस्त कहानी है। आप जरा इसे आज के समय से कंपेयर करिए। स्कूल में एक टीचर अगर बच्चे को डांट दे तो बच्चे को लगता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है, उसके सवालों के खिलाफ है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब रमन साहब के खिलाफ तो पूरा सिस्टम था, पूरी सरकार थी, लेकिन उन्होंने फिर भी रास्ता ढूंढ निकाला। इसके बाद रमन साहब को ये महसूस हुआ कि हमें भारत को इंटरनेशनल स्टेज पर लेकर जाना पड़ेगा, भारत की वैज्ञानिक क्षमताओं को अलग अलग देशों के सामने रखना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें विदेश जाना पड़ेगा। 1921 में रमन साहब को विदेश जाने का मौका मिला, और वो अपना अस्ता बस्ता पैक करके इंग्लैंड पहुंच गए, जहां पर उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित कांग्रेस ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर में लेक्चर दिया, और उनकी मेहमान नवाजी कर रहे थे जे थॉमसन और अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो कौन है ये दोनों भाई साहब? जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन वाले, हाँ जी, इन्होंने ही किया था इलेक्ट्रॉन का आविष्कार। और रदरफोर्ड को तो आप जानते ही होंगे, ये न्यूक्लियस वाले हैं। इन्होंने ही बताया था कि एटम के सेंटर में एक भारी भरकम सी चीज बैठी है, बोले तो न्यूक्लियस। अब ये दो लोग रमन साहब की मेहमान नवाजी में थे, क्योंकि रमन साहब का भी विज्ञान के क्षेत्र में कद काफी बढ़ चुका था। वैसे 18-19 साल की उम्र में दो रिसर्च पेपर पब्लिश करना कोई मामूली बात नहीं है। रमन साहब अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों से मिलते हैं, उन्हें भारत के बारे में बताते हैं, भारत की वैज्ञानिक क्षमताओं के बारे में बताते हैं, मतलब देश का डंका बजाते हैं। और उसके बाद जब वो वापस आ रहे थे तो मेडिटेरेनियन सी का नीला रंग देखकर उनके दिमाग में एक सवाल आया कि ये समुद्र नीला क्यों है। अब देखिए, इस सवाल से पहले जो इस नीले रंग की एक्सप्लेनेशन थी वो ये थी कि आकाश नीला है और उसका रिफ्लेक्शन हमें समुद्र में दिखाई देता है, इसलिए समुद्र भी नीला दिखता है। और ये एक्सप्लेनेशन लॉर्ड रैले ने दी थी, जिसका अब चैप्टर निबटने वाला है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको लॉर्ड रैले के बारे में पता होगा, अगर नहीं देखी तो बाद में देख लेना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लॉर्ड रैले की बातों पर लोगों ने यकीन कैसे कर लिया, हम भी बहुत सारी बातें बोलते हैं, हमारी पे तो कोई नहीं करता। तो भैया, उसका कारण ये था कि आकाश नीला क्यों है, इसकी एक्सप्लेनेशन लॉर्ड रैले ने बिल्कुल सही दी थी, यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब क्योंकि ये बात सही साबित हो चुकी थी, लॉर्ड रैले के द्वारा हो चुकी थी, तो जब उन्होंने ये कहा कि भैया रिफ्लेक्शन की वजह से समुद्र नीला है, तो लोगों ने सोचा कि भैया वैज्ञानिक महोदय कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे होंगे, क्योंकि इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन और कौन देगा। तो सबने मान लिया, बिना सवाल उठाए
मान लिया, लेकिन रमन साहब ने सवाल खड़े कर दिए। अब रमन साहब के दिमाग में आया सवाल, उन्होंने सोचा कि यार ये प्रकाश जब आकाश में जाता है जो कि अलग अलग गैसेस से मिलके बना हुआ है, तो प्रकाश फैलता है और क्योंकि उसमें नीला रंग सबसे ज्यादा फैलता है तो आकाश नीला दिखाई देता है। ये बात तो ठीक है, लेकिन यही प्रकाश जब पानी में जाता है तो भैया ये क्यों नहीं फैलता, ये भेदभाव क्यों? अब इस सवाल के पीछे एक और कारण था। जैसा कि सब जानते थे कि रोशनी चाहे पानी हो या हवा दोनों में चलती है, वो बात अलग है कि पानी में उसकी रफ्तार हवा के मुकाबले धीरे होगी। तो अगर रोशनी हवा और पानी दोनों में चल रही है तो सिर्फ हवा में ही क्यों बिखर रही है, पानी में काहे नहीं बिखर रही? क्योंकि अगर रोशनी पानी में भी फैल रही है तो लॉर्ड रैले के द्वारा जो एक्सप्लेनेशन दी गई है रिफ्लेक्शन वाली, वो गलत साबित हो जाएगी। और अगर लॉर्ड रैले सही है तो अभी तक किसी ने ये क्यों नहीं बताया कि रोशनी पानी और हवा दोनों में अलग अलग तरीके से व्यवहार क्यों कर रही है। ये था वो सवाल जिसने भविष्य में नोबेल प्राइज का बीज बो दिया। अब रमन साहब कोलकाता वापस आ जाते हैं। अब जो सवाल उनके दिमाग में आया था इस पर प्रयोग करने के लिए उनके पास जरूरी साजो सामान नहीं था, तो अब क्या करें? तो उन्होंने खुद ही बाजार से जुगाड़ तुगाड़ लगाकर प्रयोग करने के लिए साजो सामान तैयार कर लिया। सबसे पहले उन्होंने एक टेलीस्कोप बनाया जिससे सूरज की रोशनी निकल रही थी, और उस टेलीस्कोप के दूसरे कोने पर साफ पानी को रखा, क्योंकि अगर पानी के नीले रंग को समझाना है तो पानी को ही प्रयोग में लेना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने कुछ फिल्टर लगाए, वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि रोशनी बनती है सात रंग से, तो अब हमें सिर्फ एक ही रंग चाहिए था, क्यों ना ऐसे रंग का चुनाव किया जाए जो बहुत फैलता हो, और बैंगनी रंग बिल्कुल परफेक्ट था। तो उन्होंने फिल्टर को इस तरह से लगाया कि बाकी सारे रंग रुक जाएं और सिर्फ बैंगनी ही उसके आर पार निकल पाए। अब वो बैंगनी रंग पानी में एंटर करता है, ध्यान से सुनिएगा, रेले स्कैटरिंग के हिसाब से जो रंग ज्यादा फैलता है वही रंग दिखाई देता है, और क्योंकि पानी में रिफ्लेक्शन हो रहा था लॉर्ड रेले के हिसाब से, तो पानी से निकलने पर रोशनी का रंग नहीं बदलना चाहिए। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ, पानी से हरे रंग की रोशनी बाहर निकली। अब ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है अगर बैंगनी रंग का वेवलेंथ बदल जाए, चेंज हो जाए। अब वेवलेंथ में कैसे बदलाव हो सकता है? तो ऐसा तभी हो सकता है अगर फोटोन की एनर्जी में बदलाव आ जाए। तो ये फोटोन की एनर्जी में कौन बदलाव लाएगा? पानी के मॉलिक्यूल के अंदर बैठे हुए एटम के चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन। अब इस सवाल का जवाब रमन साहब को सिर्फ एक स्पेक्ट्रोस्कोप ही दे सकता था, और उन्होंने उसका इंतजाम किया। लेकिन रात हो गई, अगले दिन उन्होंने दोबारा प्रयोग किया और कमाल हो गया, उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया। पानी का नीला रंग रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं बल्कि स्कैटरिंग की वजह से था, और इस स्कैटरिंग को रमन स्कैटरिंग या रमन इफेक्ट के नाम से जाना गया। हालांकि उनका रिजल्ट इतना सिंपल नहीं था जितना मैंने बता दिया, इसमें काफी और चीजें भी हैं, जैसे कि उन्हें एक लाइट नहीं बल्कि दो लाइट मिली थी। लेकिन मोटा मोटा आइडिया यही निकलता है कि पानी में लाइट स्कैटर हो रही थी, रिफ्लेक्शन के कारण उसका रंग नीला नहीं था। यहाँ से इस सवाल पर मोहर लग गई कि प्रकाश को उसका रंग उसकी ऊर्जा के घटने और बढ़ने की वजह से मिलता है, और इस खोज के लिए सीवी रमन साहब को 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब इन सारी चीजों के बीच में कहानी का जो हिस्सा रह गया है वो था ये, रमन साहब ने 1926 में इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स की स्थापना की, और ये बात कहते हुए गर्व महसूस होता है। संयोग देखिए, सीवी रमन यानी भारत के पहले फिजिसिस्ट भारत के पहले जर्नल में पहला रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, और उसी में फिजिक्स का नोबेल प्राइज जीतकर भारत ले आते हैं। इस खोज की तारीख थी 28 फरवरी 1928 जिसे हम नेशनल साइंस डे के नाम से आज मनाते हैं। एक और मजे की बात, रमन साहब सिर्फ भारत के ही नहीं पूरे एशिया के सबसे पहले फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीतने वाले फिजिसिस्ट हैं। उन्हें आजाद भारत का पहला प्रोफेसर नियुक्त किया गया। उन्होंने RRI बेंगलोर की स्थापना की यानी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और 1954 में उन्हें भारत रत्न देकर सम्मानित किया गया। उनकी खोजों के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने 1929 में उन्हें सर की उपाधि भी दी। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका के प्रोफेसर रॉबर्ट डब्ल्यू वुड ने ये कहा कि ये सीवी रमन साहब की ही खोज थी जिसने मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रख दी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रमन साहब का नाम ह्यूजेस मेडल के लिए प्रपोज किया। ये मेडल एक दशक में विज्ञान के क्षेत्र में की गई सबसे बड़ी खोजों के लिए दिया जाता था। वैसे एक मजे की बात बताता हूँ, 1928 में रमन साहब को भरोसा था कि उन्हें नोबेल प्राइज मिलेगा, लेकिन उन्हें नहीं मिला। फिर 1929 में उनकी जगह ये नोबेल प्राइज लुई डी ब्रोगली को दे दिया गया, लेकिन 1930 में उन्हें ये नोबेल प्राइज मिल ही गया। रमन इफेक्ट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? वैसे तो बहुत जगह होता है, लेकिन अगर आप एयरपोर्ट पर जाएं तो आपको रमन स्कैनर दिख जाएगा जो चीजों को स्कैन करके बिना छुए ये बता सकता है कि उनके अंदर किसी बैग के अंदर क्या रखा है। अब ये काम कैसे करता है? बिल्कुल सिंपल है, रमन स्कैनर से रोशनी किसी बैग के अंदर जाएगी, उसके अंदर रखे हुए सामान से टकराएगी, और रमन स्कैटरिंग की वजह से
रोशनी में जो बदलाव होगा उससे हमें पता लग जाएगा कि अंदर क्या सामान रखा है। हमने अलग अलग सामान पर रोशनी के टकराने से जो बदलाव आते हैं उसको पहले से ही रमन स्कैनर के अंदर फिट किया हुआ है, तो ये बदलावों को मैच करके अपने डाटाबेस से बिल्कुल बढ़िया हिसाब किताब लगाकर हमें रिजल्ट देता है। ये फोरेंसिक कामों में भी इस्तेमाल होता है। 21 नवंबर 1970 को अपनी आखिरी सांस लेने से पहले उन्हें बस एक ही चीज का दुख था कि आजाद भारत में भी लोगों की विज्ञान के प्रति इतनी रुचि नहीं है, जबकि किसी भी राष्ट्र की तरक्की का रास्ता विज्ञान से ही होकर निकलेगा। एक लाजवाब वैज्ञानिक की शानदार कहानी का अंत हुआ। अगर आपको ऐसे ही महान वैज्ञानिकों की कहानियों के बारे में जानना है तो बोलिए मेरे संग। जय हिंद, जय भारत।